सब्सक्राइब कीजिए माई टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को एंड्रॉयड नोगट 7.11 में अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, वैसे तो आपने देखा होगा कि अगर ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है हमारे फ़ोन का तो हम क्या करते हैं कि अनऑफिशियल तरीके से CWRP रिकवरी की मदद से हम किसी भी अनऑफिशियल फ्रीमवेयर को अपने फ़ोन में फ्लैश करा के अपने एंड्रॉयड वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको इस तरह की कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप अनऑफिशियल फ्रीमवेयर को अपने फ़ोन में फ्लैश कराएं, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा करने से कभी कभी हमारा फ़ोन डैमेज हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तभी आप अपने फ़ोन को TWRP रिकवरी की मदद से अपग्रेड करें, अदरवाइज आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल मैं आज आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको यूज करेंगे तो आपका फोन बिल्कुल ही एंड्रॉयड नोगट 7.11 की तरह दिखेगा। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन के UI को बिल्कुल ही चेंज कर देगा, उसको एंड्रॉयड 7.11 की तरह शो करने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन किस तरह से वर्क करता है और हम अपने फ़ोन को किस तरह से एंड्रॉयड 7.11 में अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे और वहां जाके इस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो प्ले स्टोर पे आने के बाद यहां पे सर्च कर लेते हैं नोगट UI। आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट नंबर पे नोगट UI का एप्लीकेशन आ चुका है। यहाँ से इसको अब इंस्टॉल कर लेते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरा ये पहले से ही इंस्टॉल है, तो आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए और मैं यहाँ से अब इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो इसको लेफ्ट साइड से अब हम स्लाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल नोगट की तरह यहाँ पर इसके सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सारे एप्लीकेशन हमें यहाँ पर बिल्कुल ही नोगट की तरह शो कर रहा है। इसी तरह से हम स्टेटस बार को नीचे करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल ही अलग स्टेटस बार नज़र आ रहा है। जैसा कि फ्रेंड्स मेरा फ़ोन यहाँ पर ये लॉलीपॉप है, तो लेकिन फिर भी देखिए आप बिल्कुल ही इसका इंटरफेस चेंज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही इसके सारे ही फंक्शन बिल्कुल अलग आ रहे हैं। अब यहाँ सेटिंग पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नोगट UI पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ फ़ोन इन्फॉर्मेशन में जाते हैं और यहाँ पर भी अब आप देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन में 7.11 दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल ही आप देख सकते हैं पूरी तरह से हमारा फ़ोन अपग्रेड हो चुका है एंड्रॉयड 7.11 में। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने फ़ोन को नोगट 7.11 में अपग्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही था। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नई वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।